WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल स्पेशली होगा इंडिया के लिए। एंड गाइस ये होगा इंडिया के स्पेशल डे पर 26 जनवरी मंगलवार को रात 8 बजे। सो गाइस आप सोच रहे होंगे ये इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है तो इंडिया के ही सुपरस्टार होंगे, लेकिन नहीं, और भी बड़े बड़े सुपरस्टार आने वाले हैं WWE के जो रॉ और स्मैकडाउन में वर्क करते हैं। सो गाइस इस इवेंट के लिए WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल इवेंट के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आई है मैं आप सबको बता दूंगा इस वीडियो में। ये लाइव होने वाला है, ये इंडिया में होने वाला है, क्या लाइव ऑडियंस होगी, सबका सब आपको पता चल जाएगा। बस आपका एक ही काम है यार, सब्सक्राइब मार देना चैनल को अगर आप भी मेरी तरह रेसलिंग के फैन है, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। सो माय नेम इज सोहेल, लेट्स गो फॉर द वीडियो भाई बे। सो इस ट्रिपल एच ने सबसे पहले बताया ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि 26 जनवरी तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यार करता है ट्रिपल एच इंडिया से, मतलब ट्रिपल एच ही नहीं पूरी WWE कंपनी। इसका रीजन ये है कि जो भी पूरी दुनिया में WWE दिखाई जाती है लाइव, और सबसे ज्यादा लोग इंडिया में से देखते हैं, ये एक फैक्ट है आपको पता होगा गाइज। इसलिए क्योंकि जॉन सीना, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, बड़े बड़े जो सुपरस्टार है लाइक अंडरटेकर, बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं इंडियंस इन सबको। एंड आप किसी भी WWE फैन से पूछोगे तो रोमन रेंस या फिर अंडरटेकर और जॉन सीना, ये तीनों नाम ज्यादातर होंगे उनकी जुबान पर। तो गाइस अब बात आती है कौन कौन से सुपरस्टार हमें देखने को मिलेंगे ज्यादातर। सबसे पहले जिंदर माहौल का तो हमें देखने को मिलेगा क्योंकि वो सबसे बड़ा, आई थिंक इस टाइम का सबसे बड़ा सुपरस्टार है WWE में। एंड गाइस रूमर ये आ रहा है कि इस इवेंट पर जब भी आएगा जिंदर माहौल वो फेस बनकर आएगा, लाइक ज्यादातर हील बन के रहता है जिंदर माहौल, लेकिन जल्द ही फेस कन्वर्ट होगा। एंड गाइस जिंदर माहौल के साथ उसके दो मित्र भी होंगे जो हमें देखने को हमेशा मिलते ही हैं शायद। उसके बाद शैंकी सिंह एक और बड़ा नाम है जो शायद डेब्यू करेगा रेसलिंग मैच में, जो बहुत ही ज्यादा लोग देखेंगे। एंड गाइस मैं चाहता हूं कि शैंकी सिंह, स्पेसिफिकली शैंकी सिंह को ज्यादा अच्छे से पुश मिले WWE में। आगे हमें देखने को मिले जायंट जंजीर, मुझे यही नाम है ना, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूं। एंड गाइस शैंकी सिंह एंड जायंट जंजीर दोनों के दोनों 7 फुटर हैं रेसलर, आप देख सकते हो कितने ज्यादा लंबे लंबे हो गए इंडिया से। एंड गाइस जो अगले सुपरस्टार होने वाले हैं वो हो गए गुरुराज, और मैं ज्यादातर नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन ये भी एक स्पेशल अपीयरेंस कर सकते शो पर। एंड गाइस रिंकू सिंह एंड सौरभ गुर्जर भी शो पर हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद फीमेल सुपरस्टार में से भी इंडिया से आ रही है जो कि है कविता, एंड न्यू डे हमें देखने को मिलेंगे एज अ मेन सुपरस्टार, जो दूसरे होंगे, इंडियन नहीं होंगे। गाइस आप भी मुझे अभी के अभी कमेंट्स में बताओ कौन से सुपरस्टार को आप देखने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। एंड यस आपको पता है मैं हार्ट भी देता हूं। उसके बाद बात कर लेते हैं वो फॉरेन सुपरस्टार जो WWE के मेन है, AJ स्टाइल एक बड़ा नाम है जो हमें देखने को मिलेगा इस इवेंट पर। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर का भी बहुत ज्यादा चांस था लेकिन उनको हो चुका है कोविड, तो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है उनके होने के लिए WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल पर। रिक फ्लेयर एंड उनकी डॉटर भी होगी इवेंट पर, मतलब वुमेन मैच हमें देखने को मिल सकता है। एंड गाइस रिकोशेट विल बी आल्सो प्रेजेंट, आपको पता है जहां पर रिकोशेट होता है, मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, इसके फ्लाइंग मूव्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड बेली भी होगी, शायद बेली वर्सेस कविता हमें देखने को मिलेगा, उसमें शायद कविता को क्योंकि इंडिया का भाई है। आप यार बताओ आपका रिएक्शन क्या था जब ये आई थी न्यूज अबाउट WWE स्पेक्टेकल स्पेशली इंडिया के लिए, आपका रिएक्शन क्या था कमेंट्स में बताइएगा। और आप किसको देखने के लिए, आप कौन सा मैच चाहते हैं कि हो WWE इंडियन सुपरस्टार और फॉरेन सुपरस्टार के बीच में। सो गाइस अगर आप यहां तक आ गए हो ना, आपका एक ही काम है यार, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, और लाइक मार के अपने टेंडर जरूर देना। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।